नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, बात करते हैं मार्च में धनु राशि वालों के बारे में कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी जॉब, बिजनेस, आपके फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, जानते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, जानेंगे स्टूडेंट्स के बारे में और अपकमिंग सिचुएशंस, जानेंगे आपको एडवाइस क्या दी जाए और आपकी लव लाइफ, वो कैसे भूल सकते हैं। क्या बात, बिल्कुल सही बात है। देखो जी, शो ऑफ करने का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब जितनी ज़रूरत है उतना ही दिखाइए लोगों को, बहुत दिखा दिया और दिखा दिखा के जितना बेड़ा अगर करना था अपनी ज़िंदगी का वो तो कर ही लिया, ठीक है। कुछ ऐसा जो अब आपकी लाइफ में ग्रोथ दे, नया काम, बिजनेस में अगर आपको कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत है तो ज़रूर जाइए। बिजनेस में अगर आपको कहीं बाहर जाने का ऑफ़र आता है तो ज़रूर जाइए, बट आके दुनिया को बताइए, सबको पहले ढोल मत पीट दीजिए, काम नहीं होगा आपका, ठीक है। बहुत मेहनत करी है किन चीज़ों के लिए, बहुत गुस्सा है, किसी को कुछ भी बोल देते हो, ज़बान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है आपको, थोड़ा धैर्य, थोड़ा कंट्रोल, चीज़ें तभी ठीक होंगी, ठीक है। आपका वीनस बहुत अच्छा है, आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है आपको, तो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों को आप डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। काम और बिजनेस में भी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, फैमिली में भी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई फैमिली में नहीं दिखता, सिर्फ एक शुक्र का कार्ड दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल हैं आप, पैसे कमाने में लगे हुए हैं और दिन रात कमाने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा, बहुत बहुत उम्दा। अब किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आने वाला है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं। अब एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अब आपको पता है आग का दरिया है, डूब के जाना है और जो आपने इतने वर्षों में किया है उसका फल भी आपको मिलने वाला है। ये मार्च का महीना आपको वो देगा जो आपके कर्मों का विधान होगा, ठीक है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल दिया जाएगा और पैसा, कहीं आपने किसी का फंसाया तो आपका पैसा फंसेगा, आपने किसी को नुकसान दिया इंटेंशली या इंटेंशली तो आपका भी नुकसान होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका कर्मा आप पे वापस आ रहा है। चाहे आपका शुक्र कितना अच्छा हो, लेकिन जब चीज़ें खराब होती हैं और शनि अपने कर्मों पर आता है ना, तो आपकी दुनिया हिला सकता है। आपका दिमाग जो आप दूसरों को नीचा दिखाने में यूज़ करते हो, उस दिमाग को सही तरह से अपने बिजनेस में यूज़ करो तो आपको ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कुछ ऐसा काम कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके घर में चार मेंबर हैं तो घर में किसी एक की थोड़ी सेहत ख़राब हो सकती है, हो सकता है आपकी या आपकी कोई पुरानी बीमारी जो बहुत समय से दबी पड़ी थी वो अचानक बाहर आ जाए, तो थोड़ा इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। बात करूंगी विदेश में जाने की बिजनेस को लेकर, तो वो मौका आपको मिलने वाला है, उस मौके को ना छोड़िएगा, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये मौका हो सकता है आपकी ज़िंदगी का आखिरी बड़ा मौका हो जो आपको पैसे कमाने में मदद करे। पैसा आएगा, बहुत मेहनत से आएगा और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए जानते हैं कि एडवाइस क्या है आपने लिए। फिर से वीनस का कार्ड आ गया, माय गॉड बिलवर्ड, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है और अगर आप सिंगल हैं तो सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का कार्ड आ गया, बहुत ही बढ़िया उम्दा कार्ड। देखो, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करना, कोई भी डिसीजन लेना हो लाइफ में बहुत स्लो डाउन। अगर आप सिंगल हैं, कन्फर्म्ड आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार आने वाला है विथ फुल रिस्पेक्ट ट्रस्ट, है ना, बहुत अच्छे कार्ड, मतलब फ्रूटफुल लाइफ होने वाली है आपकी। फिर से सिक्स, माय गुडनेस, फिर से वीनस का कार्ड, माय गुडनेस, विक्ट्री एंड सक्सेस, पावर, एट नंबर। देखो, सिक्स और एट बार बार यही दो कार्ड्स इंडिकेट हो रहे हैं और फिर से वही आ गया। आपकी जो सक्सेस है ना, वही आपकी पावर है। सो अपनी पावर को ऐसा रखिएगा कि जितना शेर का मुँह आप दिखाते हैं लोगों को, वो सिर्फ वहीं दिखाइए जो उस चीज़ से डरते हो, और जो ना डरते हो वहाँ पे अपनी पावर को बिल्कुल भी शो मत कीजिएगा। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर क्या बोलते हैं आपको लव लाइफ। आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, आई एम नॉट इन लव विद यू। क्या कर दिया पार्टनर, गुस्सा हो गया, बट
आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, बड़े मिलते जुलते से मैसेज आते हैं, आई एम फॉलिंग आउट इन लव विद यू, मतलब प्यार भी है गुस्सा भी है, पर उसको बोलने के लिए बोला जाता है कि ठीक है हम किसी और के साथ सो जाएंगे, बट द थिंग इज दैट ही और शी इज ऑब्सेस्ड विद यू। आपका पार्टनर बहुत पेन में है, वॉट एवर इट इज पेन में है, एंड डीपली दे आर इन लव विद यू। चलिए बात करते हैं आपके लव कार्ड्स के बारे में, कि आपके लव कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। देखो वैसे तो वीनस का कार्ड बार बार आ रहा है और बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। चलो थोड़ी नाराज़गी चलती है, यू डिज़र्व लव, आप प्योर लव डिज़र्व करते हो, है ना, और एक्सप्रेस योर लव, सही समय पे सही बात बोलने की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ एक्सप्रेस कर देना, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मतलब बहुत क्लियर बोलना, जो भी बोलना, को डिपेंसी करने की ज़रूरत नहीं है कि दोस्त बात कर लेंगे या कोई और बात कर लेगा, जो भी, क्योंकि वो केमिस्ट्री ना आपके साथ ही बॉन्ड अच्छा बनेगा उनका, तो आप अपनी केमिस्ट्री को सही कीजिए, एक रीड कीजिए, अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए, रोमांटिक फीलिंग्स जो आपके अंदर है उनको जाके बोल दीजिए, एंड योर सोलमेट इज़ कमिंग, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ चुका है। सो एन्जॉय योर लाइफ विद योर सोलमेट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सबको अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी कहीं आपको मेरी ज़रूरत लगे तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल्स, वी डोंट अटेंड द कॉल्स, ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस और पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती, ठीक है। नीचे दिए हुए कमेंट करना ना भूलिए, जिसको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, और हमें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। मैं फिर से मिलती हूँ आप सबको अपनी नई वीडियोस के साथ, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन, बहुत सारा प्यार और आभार।